तो बच्चों चलते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर की ओर। जलियांवाला बाग मैसेकर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, इट्स अ माइलस्टोन इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। इट शोज द विल ऑफ इंडियंस, जील ऑफ इंडियंस फॉर देयर मदरलैंड। What had happened actually, as we have seen, it was the period when Rowlatt Satyagraha was started by Gandhi. So Rowlatt Satyagraha was started by Gandhi to oppose the Rowlatt Act. So all over India, protest movement was going on. One more thing you have to remember, when we were talking about Gandhian movement, but definitely the Gandhian movement is based upon principle of satyagraha. Truth and non-violence are the integral part of those movement. And one more thing that you have to remember, the methods that were adopted in those movement, the method were Swadeshi and boycott. We will discuss about that, and you people were also read about this kind of movement in class 8 also. And I have referred you, I suggested you to please go through the class 8 books also. तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्वदेशी और बाइकॉट होती क्या थी, ये मैं डिस्कस भी करूंगा। स्वदेशी मीन्स सेल्फ मेड गुड्स, मीन्स कि भारत के अंदर बनी हुई वस्तुओं का ही सभी भारतीय इस्तेमाल करेंगे, और बाइकॉट का मतलब कि ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स प्लस सर्विसेज को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जहां हम उन सामानों की बाइकॉट करेंगे, उस प्रकार की सुविधाओं की हम बहिष्कार करेंगे, तो उसकी जगह पे अल्टरनेट हम लाएंगे, स्वदेशी के रूप में स्वयं उन सामानों को बनाएंगे, उस प्रकार की इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करेंगे। अगर उनके स्कूल नहीं जाएंगे तो हम इंडियंस अपने स्कूल को रन करेंगे, अपने कॉलेजेस को रन करेंगे। तो ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो मैं बात कर रहा था यहाँ बाइकॉट रॉलेट सत्याग्रह के तहत होने वाले कार्यक्रम की। तो ये स्वदेशी और बाइकॉट उसके इंटीग्रल पार्ट थे। स्ट्राइक्स, पीसफुल स्ट्राइक्स, शांतिपूर्ण, अनआर्म्ड, शांतिपूर्ण धरना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते थे, रैलियां निकाली जा रही थी पूरे हिंदुस्तान। In due course of time, in Punjab also, the protest movements were going on. Protest movement means protest against the Rowlatt Act as a part of the Rowlatt Satyagraha. Punjab was very much sensitive in terms of nationalist movement. So, the British government were keeping their close eyes on the events going on in Punjab. On that time, Punjab was governed by Michael O'Dwyer. He was the governor of Punjab. Please, don't be confused. I took the name Michael O'Dwyer. And the superintendent of police of Amritsar was General Dwyer. Two things are there. One is Michael O'Dwyer, governor. And I am talking about General Dwyer, the police captain, SP, आप कह सकते हैं। तो आते हैं, तो अमृतसर में भी यानी पंजाब में भी रॉलेट सत्याग्रह के लिए बहुत बड़ी भागीदारी लोगों की हो रही थी। तो कब सच काइंड ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड सप्रेसिंग मेजर्स। Thousands of people were arrested and martial law was also imposed in Amritsar. Martial law, what is the meaning of martial law? आप कह सकते हैं सैनिक रूल के रूप में, या जहां पे सेना को बहुत अधिकार दिए जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के, वहां पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मिनिमाइज कर दिया जाता है और ऑथोरिटीज के साथ सेना को शामिल किया जाता है। बट
known to common people of Amritsar that martial law was involved, because it was not, this massive had not been circulated properly. So people in huge numbers were unaware about the martial law. And in due course of time, to suppress the Rowlatt Satyagraha movement, two prominent leaders of Punjab were arrested. And they were Dr. Satpal and Dr. Saifuddin Kichlu. Please remember the names. एक नंबर के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं और एनटीएससी में ये क्वेश्चंस आते हैं. नेम द लीडर्स हु वर अरेस्टेड इन पंजाब ड्यूरिंग द रॉलेट सत्याग्रह. द टू प्रोमिनेंट लीडर यू हैव टू रिमेंबर, इट वाज डॉक्टर सतपाल एंड डॉक्टर किचलू. दैट जस्ट क्रिएटेड अ वाइड स्प्रेड एंगर अमंग द इंडियंस. ऐसा नहीं कि केवल वहीं पर हो रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं गांधी को भी दिल्ली में घुसने से रोक दिया गया. गांधी वॉज जस्ट बॉर्ड टू इंटर इन दिल्ली. तो ये सिचुएशन काफी ग्रीम हो चुकी थी. और इस पंजाब के अंदर मैं बात कर रहा हूं तो अमृतसर को हम सेंटर बना रहे हैं तो क्या हुआ? तो गवर्नमेंट के सप्रेसिव मेजर्स के खिलाफ और इस दो प्रोमिनेंट लीडर्स के अरेस्ट के खिलाफ. It was the day of Baisakhi, 13th April, 1919. People were gathered in the Jallianwala Bagh. It is still in Amritsar. If you have visited over there, you can see the things. Everything is very much clear over there. In Jallianwala Bagh, what had happened? It was the day of Baisakhi. People were just coming out from their homes to a part of the Baisakhi fair. Baisakhi is one of the important festival of Punjab. और इसी क्रम में सैकड़ों की संख्या में ये लोग जलियांवाला बाग में जमा थे. When such kind of news reached to the General Dyer, he took his police with his armed wagon, जो कहते हैं टैंक, छोटी सी टैंक, and went to the Jallianwala Bagh. Jallianwala Bagh is having only one narrow opening, and that was also used for the existing gate. To exit point and entrance point, both are the same. Dyer took his men inside the bagh and blocked the entry and exit gate with the help of his armed vehicle, and without any warning, I'm repeating, without any warning, he ordered his troops to open fire on the Indians gathered in Jallianwala Bagh. Those Indians were unarmed. They gathered over there peacefully, and they were conducting their meeting very peacefully. They were talking about Gandhian's call of non-violence. So without any warning, Dyer had opened fire on those innocent people. Then what had happened? Within 10 minutes, nearly 1,650 rounds of bullets had been fired, and officially it took the lives of 379 people. Nearly thousands were injured. ये
1516 घायल हुए हैं और 1650 गोलियां चली। मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाना चाहता था कि जिसका पूरे मुल्क पर असर होता। जनरल, फर्ज कीजिए आप उस जगह पर टैंक ला पाते हैं, तो क्या आप उस जगह पर मशीन गन भी चलाते? हाँ, मैं इस्तेमाल करता। जनरल, क्या तुम्हें यह एहसास था कि औरतें और बच्चे भी थे उस भीड़ में? जी था, मगर इसका कोई वास्ता ही नहीं तुम्हारे उस सबक से। आप ठीक कहते हैं। तो ये बताओ, घायलों के बारे में तुमने क्या किया? मैं उनकी मदद करता जो मांगते हैं। जनरल, एक छोटा सा बच्चा जो कि 303 ली एनफील्ड गोली से घायल हो, मदद कैसे मांगता? हेलो, आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर द मूवी गांधी एंड नाउ प्रोसीड विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर। द इंडियंस गैदर्ड इन जालियांवाला बाग, दोज इंडियंस वर अनआर्म्ड, दे गैदर ओवर देयर पीसफुली एंड दे वर कंडक्टिंग देयर मीटिंग वेरी पीसफुली। दे वर टॉकिंग अबाउट Gandhian's call of non-violence. So without any warning, Dyer had opened fire on those innocent people. And what had happened? Within 10 minutes, nearly 1,650 rounds of bullets had been fired. And officially, it took the lives of 379 people. Nearly thousands were injured. Just imagine, within 10 minutes, 1650 गोलियां चला दी गई उन निहत्थे हिंदुस्तानियों पर। ऑफिशियली रिकॉर्ड के अनुसार, डॉक्यूमेंटेशन है, 379 पीपल वर डाइड। जान के आपको आश्चर्य होगा, वहां एक कुआं आज भी मौजूद है, उस समय वो कुआं था सूखा कुआं। जब ये गोलियां चली तो लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूदने लगे। वो कुआं, वो सूखा कुआं मानव रक्त से लाल हो गया। उस कुएं में रक्त जमा हो गया, वो कुएं में पानी नहीं, सूखा कुआं रक्त का कुआं बन गया। और ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये भी जानना चाहिए कि क्या अपमान होता है। ये भारतीयों के लिए ये बहुत बड़ी अमानवीय कृत्य थी। इतने लोग मारे गए, वो दर्द, वो दुख, वो वेदना तुरंत इसके बाद। Once the news of Jallianwala Bagh massacre has spreaded, massacre, I'm using the word massacre. Massacre का मतलब ही होता है नरसंहार। नरसंहार का मतलब killing of innocent people indiscriminately, यानी बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी वैध कारण से सैकड़ों की संख्या में लोगों को बेवजह मार डालना, तो यह नरसंहार था। अब इंटरेस्टिंग चीजें हैं, कुछ समझिए जिससे आपको समझ में आएगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज वेरी मच ऑप्रेसिव एंड फॉलोइंग इनजस्ट रूल्स। ऑन सीन सच काइंड ऑफ इंसिडेंट देयर वॉज वाइड स्प्रेड एंगर इन इंडिया। Indians were started their resistance movement by their own ways. On seeing such kind of condition, Gandhi
immediately withdraw the Rolex Satyagraha movement. Because this widespread anger may started a new series of clashes between Indians and the British government, and that took more lives of Indians, because Indians were unarmed, they were not having the weapons to fight against the almighty British rule in India. But this event, this Jallianwala Bagh massacre, was criticized to appease Indians, yani Bharatiyon ko santusht karne ke liye, unko dikhane ke liye. One committee was appointed to investigate the responsibility of this Jallianwala Bagh massacre. That committee was called the Hunter Commission. What is Hunter Commission? बुक्स में नहीं देखते हैं, आपके क्लास के बुक में नहीं है, थोड़ी सी मैं डिटेल बता रहा हूं, आपको ध्यान रखिएगा. हंटर कमीशन, इन फ्रंट ऑफ द हंटर कमीशन, व्हेन जनरल डायर वाज इंट्रोगेटेड अबाउट द इंसिडेंट, जनरल डायर हैज एडमिटेड दैट यस आई वाज नोइंग दैट पीपल वर गैदर ओवर देयर and I have not given any warning. When he had inquired, why you have not given the warning? He said that martial law was already imposed over there, so there was no need of giving any warning. It was a violation of the rules. When General Dyer was inquired that whether you were knowing there were a number of women, old ones and children, he said, yes, I was knowing. He accepted that it was a deliberate attempt to produce a moral effect to the minds of the Indians, so that in future no Indians could raise his voice and head against the government. He was trying to put a moral impact. Moral attack on the Indians to their minds to create a period of terror and war. Means bheka vatavaran ki sarkar ke khilaf bolne walon ki gardane kaat di jayegi, unke liye koi jagah nahi. Now the reactions after this particular massacre, the whole India was in a state of stunt. They were very much surprised. They were never imagined that such kind of act can be done by the government. They never thought. Gandhi himself believed that Britishers are justice loving people. Gandhi himself believed in the British sense of justice. But after this particular massacre, Jallianwala Bagh incident, Gandhi lost his faith that Britishers are justice loving people. To oppose this particular incident, the part of the protest, Gandhi had returned his title Kashle Hind, that was given by the British crown to him. Similarly, Tagore, Rabindranath Tagore, has also returned his title of knighthood or sir to the British government. It was a way of opposing. Now we are just moving towards the non-cooperation movement. The non-cooperation movement ka ek part banne wali hai. Wo kya? Returning of titles. Sarkar ke dwara yadi aapko kisi prakar ka samman diya gaya hai, to is sarkar jo ki anyayapurna sarkar hai, amaniya sarkar hai, uske khilaf apni awaz ko buland karne ke kram mein hum unke diye gaye samman ko lauta. तो अब आपको ये क्लियर होना चाहिए
कि जालियांवाला बाग मैसेकर है क्या। बच्चों इस टॉपिक से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं, डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ जालियांवाला बाग मैसेकर, तो दैट मींस यू हैव टू रिमेंबर द फुल डिटेल। व्हेन डिड जालियांवाला बाग मैसेकर अकर? 13th April 1919, एंड व्हिच वाज द डे? इट वाज द डे ऑफ बैसाख। नेम द लीडर्स हु वर अरेस्टेड, द लीडर्स ऑफ पंजाब अरेस्टेड ड्यूरिंग द अमृत सत्याग्रह। इट वाज डॉक्टर सतपाल एंड डॉक्टर किचन। So these are the questions you may be asked. So now, this was the event that had opened the eye of Indians. It gives a clear picture of true nature of the British rule in India. And it was the time when Gandhi realized that to start a massive mass movement in India against the British government. And that movement results in the form of non-cooperation movement. I have used the word mass movement. Mass means it is not the mass related to physics. It is the mass related to the political science. Mass means people's movement. Janta ki awaaz ko uthana. Ek andolan ke roop mein, aur us andolan ka naam diya gaya non-cooperation movement. तो बच्चों मुख्य रूप से हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले कुछ घटनाएं हुई। जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी जिसने इसकी बीज को अंकुरित किया वो सबसे पहले घटना थी द इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। इफ यू हैव बीन आस्क्ड द क्वेश्चन व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और व्हाई डिड गांधी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो आप ध्यान देंगे सबसे पहला आपका पॉइंट होगा इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया, सेकंड होगा द रॉलेट एक्ट, थर्ड होगा द जालियांवाला बाग मैसेकर। लेकिन यहीं पे खत्म नहीं है, इसके बाद भी कुछ इवेंट हैं जिन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की ओर भारतीयों के कदम को मजबूती से बढ़ाया, यानी गांधी के ऊपर एक दबाव आया कि वो एक जन आंदोलन की शुरुआत करे। तो वो एक और घटना होगी जो महत्वपूर्ण है और हमें जानना होगा। नाउ दिस वाज़ द पीरियड व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज़ गोइंग टू बी एंडेड। ये वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1919 आ चुकी है, खत्म हो गई, लेकिन इससे जुड़ी हुई कुछ घटनाएं अभी बची। तो अब हम पढ़ेंगे द खिलाफत मूवमेंट, उसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वो कड़ी है। तो हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की घटनाओं के क्रम में द खिलाफत मूवमेंट। ठीक है तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इवेंट, इट्स रूट इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बच्चों आपको याद होना चाहिए जब हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को डिस्कस कर रहे थे ऑन दैट टाइम आई हैड स्टेटेड दैट टू विन द सपोर्ट ऑफ इंडियंस ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू थिंग्स। वन, दे प्रॉमिस दैट आफ्टर द वॉर दे विल थिंक अबाउट द future of India in the form of dominion status or more power of administration should be given to the hands of the Indian, and second to appease a group of Indian Muslims, those who were very much fearful on seeing Ottoman Empire as a party in the war against the British. So a group of Indian Muslims were having a fear that due to the war, if Ottoman Empire or Turkey lose the war, it may go against the interest of the Khalifa. Now, what is the meaning of Khalifa? Khalifa was regarded as a successor of Prophet, the supreme spiritual guru of Islamic world is called Khalifa. They say
हिंदू धर्म के अंदर संत आचार्य होते हैं, क्रिश्चियनिटी में पोप होते हैं, उसी प्रकार से खलीफा। सो खलीफा वॉज हैविंग ग्रेट रिस्पेक्ट एंड पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलोइंग इस्लाम वर फॉलोइंग खलीफा। तो ऑन दैट टाइम ब्रिटिशर्स हैड ऑल्सो गिवन एश्योरेंस दैट आफ्टर द वॉर दे विल मेंटेन द इंटीग्रिटी रिस्पेक्ट ऑफ टर्की एंड खलीफा। बट व्हाट हैड हैपेंड, द वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया इन 1918 विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की मींस ऑटोमन एम्पायर। नाउ ब्रिटिशर्स फॉरगेट देयर प्रॉमिसेस व्हाट दे हैव मेड ड्यूरिंग द वॉर टू विन द सपोर्ट ऑफ इंडियंस। नाइदर दे हैड कंप्लीटेड और फुलफिल द प्रॉमिस अबाउट द डोमिनेंट स्टेटस, अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया इन विच दे कुड गिव मोर एंड मोर इन्वॉल्वमेंट एंड पावर टू द इंडियंस। Nor they had completed their promise regarding the Ottoman Empire and Khalifa. So Turkey was divided among the allied powers. याद कीजिए allied power। और टर्की किधर था? ये allied power के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। अब divided, इसका मतलब क्या है? It was the loss। एक प्रकार से टर्की के खलीफा के उस सुप्रीम इस्लामिक गुरु की प्रतिष्ठा का हनन था। इट वॉज एन अटेम्प्ट, अ ग्रुप ऑफ इंडियन मुस्लिम्स फेल दैट डिवीजन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ टर्की मींस लोअरिंग द प्रेस्टीज ऑफ खलीफा। फॉर देम इट गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इस्लाम to protest such kind of act of dividing Turkey that lowered the prestige of Khalifa, a group of Indian Muslims under the leadership of Ali brothers, namely Muhammad Ali and Shaukat Ali, launched a movement called the Khilafat Movement. What was the movement? Khilafat Movement. Objective of Khilafat Movement was to restore for restoration means for to restore the dignity and respect of Khalifa, yani Khalifa ki taqat samman ko barqarar rakha ja hai. Sach pucha jaye to Turkey ko pata nahi hai aur Khalifa ki taqat uski pratishtha ko banaye rakha. This was the situation. Gandhi showed this an opportunity to just cementing the Hindu Muslim relationship. My dear students, this was the period when it has been felt that a group of Indian Muslims gradually alienated from Congress and they were just organizing themselves separately. If you remember, after the Jallianwala Bagh massacre, Congress and Gandhi were decided to launch a mass movement in India as a part of the freedom struggle. So this was an opportunity for Gandhi to just cementing the relationship between Hindu and Muslims. If the Khilafat movement shall be allowed to organize independently, and at the one side Gandhi was going to start non-professional movement, what will happen? This divide the freedom struggle of India, that goes the interest of India. So Gandhi saw this as opportunity to bring those group of Indian Muslims in the mainstream with the Congress, come under one umbrella, yani milkar ki hum andolan chalayenge. Bachcho, एक और चीज मैं यहां पे बताना चाहता हूं। अ नंबर ऑफ ओकेजन्स स्टूडेंट्स आस्क अ क्वेश्चन, दिस इज नॉट द एकेडमिक क्वेश्चन स्पेशली फॉर क्लास 10, बट द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द क्वेश्चन? स्टूडेंट्स आस्क दैट, सर एट वन साइड गांधी
and Congress was talking about more and more representation and power of Indians in the government, means they were demanding more and more freedom. They were demanding and looking for a democratic government. But the same Congress and Gandhi was supporting Khilafat movement, means supporting a non-democratic regime. If you remember, at the time of the First World War, Indian National Congress had supported the side of British government in the war. Why? Because British from that time allies were announced that this is the war between democratic governments and non-democratic governments, and Turkey was under a non-democratic regime. Khalifa was not an elected leader. So Congress usko support kar rahi hai us movement ko. Ye interesting hai. Congress was supporting the movement. Kaun si movement? Khilafat movement. Jo ek religious leaders ko support kar rahi hai. Ye democratic regime nahi hai. To bache puchte hai ki aisa kyun? Why is the situation? Why such kind of contradiction is found? Yes. For the greater interest of the India, for strengthening the freedom movement of India, Gandhi and Congress had decided to just support the Khilafat movement, being a part of the non-cooperation. Actually, non-cooperation movement was started on the issue of Khilafat itself. Gandhi and Congress was looking at this an opportunity to bring those group of Indian Muslim in a national movement, to the mainstream of national movement. You see, for the greater interest, there is a compromise. यहाँ पे compromise किया गया, Khilafat movement को support करके उसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ करके ये प्रयास किया गया हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के। याद रखिएगा, ये एक बड़ी वजह होने वाली है आगे। आगे हम पढ़ेंगे कि अ ग्रुप ऑफ इंडियन मुस्लिम्स वेयर लिकुवॉर्म्स टुवर्ड्स द फ्रीडम स्ट्रगल, टुवर्ड्स द गांधियन मूवमेंट, not the freedom struggle, it is towards the Gandhian movement. Hum aage padhenge when we will discuss about the civil disobedience movement. Ye cheez wahan kaam karegi, kyunki jab hum non cooperation movement padhenge, as you know that non cooperation movement was withdrawn in 1920, but the Khilafat movement, as I written, it extended up to 1924. When non cooperation movement had been withdrawn by Gandhi, Congress never supported Khilafat. Ali Brothers had been left alone to run their movement. So that became an issue of controversy, and that led to the disputes between a group of Indian Muslims and the Congress. So come to the point. What kind of questions you may be asked in the examination? Number one, who were Ali Brothers? Ali Brothers were the leaders of Khilafat movement, who organized Khilafat movement. Second question, what was the Khilafat movement? The Khilafat movement was a movement organized by Ali Brothers representing a group of Indian Muslims for restoration of power and prestige or dignity of Khalifa in Ottoman Empire. And a three-mark question may be asked, explain the Khilafat movement. What do you know about the Khilafat movement? These kind of questions you may be asked. The question may not be asked like why Congress supported Khilafat movement. No, such kind of question not be asked. But I have explained the reason why Congress supported the Khilafat movement. So, now we sum up. If you have been asked about the causes of the non-cooperation movement, then what will you say? First of all, impact of First World War on India. Number two, the Rowlatt
act, that black law. Third, the Jallianwala Bagh massacre. Fourth, the Khilafat movement. और एक छोटी सी चीज यहां पर मैं ऐड कर दूं, फिर ये आपकी किताब में नहीं है लेकिन यू शुड नो. After the war, as the British government was announced during the war to attend the support of Indians, कि after the war, the British government will give more and more rights to the Indians. Accordingly, they had introduced the India's Government Act 1919. कौन सा है? The India's Government Act of 1919. इस एक्ट के द्वारा उन्होंने एक दिखावा किया भारतीयों को अधिक अधिकार देने का, बट इट वॉज इनसफिशियंट टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द इंडियंस. सो इंडियंस वर ऑल्सो डिसअपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एक्ट, इंडियाज गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 के इंडिया गवर्नमेंट एक्ट से भारतीयों का असंतोष भी एक कारण था, जिसकी वजह से कांग्रेस हैड डिसाइडेड टू लॉन्च अ मास मूवमेंट कॉल्ड नॉन कॉर्पोरेशन. फिर से सम अप कर लेते हैं. इफ यू हैव बीन आस्क्ड अबाउट द कॉस्ट ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन, तो क्या लिखेंगे? इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया. वी हैव गॉन थ्रू द इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया. क्या हमने देखा था कि भारत की स्थिति काफी खराब हो गई, टैक्सेस का बोझ बढ़ गया, भुखमरी, कंगाली, बेकारी, बदहाली आ गई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब घट गया, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया गया एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया. फोर्स इक्विपमेंट, व्हाट इज प्रोडक्ट, सेकंड क्या देखा हमने, रॉलेट एक्ट, द ब्लैक लॉ, अरेस्टिंग फॉर इंडियंस ओनली ऑन द डाउट फॉर 2 इयर्स विदाउट एनी ट्रायल, देन आपने जालियांवाला बाग मैसेकर, अ पार्ट ऑफ द रॉयल सत्याग्रह, हंड्रेड्स ऑफ इंडियंस वर किल्ड विदाउट एनी रीजन, जनरल डायर, रोल ऑफ जनरल डायर टू क्रिएटिंग अ मोरल इंपैक्ट ऑन इंडियंस, क्रिएटिंग फियर टू द माइंड्स ऑफ इंडियंस. फिर हमने पढ़ा क्या, इट वॉज द खिलाफत मूवमेंट. एंड देन आई हैव जस्ट एडेड वन मोर थिंग, dissatisfaction from the India's Government Act of 1919. तो ये कारण, whenever you have been asked why did Gandhi, why did Congress launch the non-proportional movement, you have to write about these things.